हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब पीछे वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी क्लास 12 के स्थिर वैद्युतिकी के यानी पहला चैप्टर के पूरे जितना 2009 से लेकर के 2022 तक जितना पूछा हुआ है सारा आप पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहे हैं कि 2009 से लेकर के 2022 के बीच में 2009 से 2022 के बीच में जितने क्वेश्चन पूछ रखा है उतने क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव कोई भारी नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव एक बार माइंड में सेट करें और बस उसको याद कर लें। याद करने का आसान जरिया है, एक बार सोल्यूशन देखें, देखते देखते यह ऑब्जेक्टिव आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिए, कहता है कि 1/4πε0 का मान होता है। देखिए, 1/4πε0 का मान पूछ रखा है कि मान होता है। देखिए, ऐसे आप याद रखें कि 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे इनवर्स में लिखे या प्रति लिखे बात एक ही है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसको यानी याद रखे कि इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में इसका मान होगा 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन इसको आप चाहे तो सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखें, या 1/ में इसका मान है 4πε0, तो 1/ में 4×π का मान होता है 3.14 और × ε0 का मान होता है 8.854×10^-12। देखिए, फ्रेश लिखते हैं यहाँ पे 8.854×10^-12 होता है। इसको सोल्यूशन कीजिए तो करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, इतना में टोटली गुणा कर दीजिए, तो टोटली को गुणा करेंगे तो 111 यानी 20624 और × 10^-12। ये टोटल को गुणा करके आप देख सकते हैं। देखिए, जब माइनस 12 है, देखिए ध्यान से, माइनस 12 बटा में है, जब इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो या माइनस वाले चेन प्लस में बदल जाता है यानी प्लस हो जाएगा। इसलिए इतना भी इतना भाग देंगे तो 0.008 इस तरह से डॉट आएगा × 10^12। देखिए, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पूरे वैल्यू को 9 मान लिया जाए कि 0.009×10^12। अगर दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ 3 जीरो आएगा, तीनों जीरो को यहाँ 12 को कटा दीजिए तो क्या आ गया, 9×10^9, 9×10^9 यह आपका राइट आंसर होगा। इसको याद रखें, 1/4πε0 का मान होता है, माइंड में सेट करें, 1/4πε0 का मान होता है कितना होता है तो 9×10^9 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। डन, यह कभी नहीं बोलेगी। इसके बाद देखिए, इसको हम इरेज करते हैं। अगर अपन देखे पढ़ाई कीजिए, या 2 महीना मात्र टाइम है, 2 महीना, आज 1 तारीख है, अगला एक नहीं उससे अगला यानी फरवरी में 1 तारीख को आपका एग्जाम है। पूरे 2 महीना लेकर के, आज से लेकर के पूरे 2 महीना, 2 महीने मतलब 60 दिन मात्र आपका एग्जाम का टाइम है। इसलिए पढ़ाई करें, एक एक चैप्टर को क्लियर करें। ध्यान से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। संबंध वो कह रहा है कि निम्नलिखित में संबंध कौन है। देखिए, E बराबर का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता,
देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा दिए थे, किसी एकांक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर या लाने में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बराबर हो जाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर एक बल कार्य करता है और यह एकांक धन आवेश पर, एकांक धन आवेश पर, तो एकांक धन आवेश को हम यहाँ पे क्यू नॉट मानते हैं। तो यहाँ पे क्यू नॉट, तो ई बराबर एक बटा में क्यू नॉट, ई बराबर एक बटा में क्यू नॉट, इसलिए हमारा यही प्रॉपर्टी सही है, यानी इसकी यह जो हमारा संबंध है, रिलेशन सही बोल रहा है, तो यह रिलेशन सही है। यह रिलेशन हो नहीं सकता क्योंकि यह आपका बटा में जाकर के होता है, यहाँ पे एफ होगा, एफ लिखा गया होगा, यह रिलेशन सही हो नहीं सकता क्योंकि क्यू बटा में एफ है और यह होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन यह सही है, यानी हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन पहला सही है। ध्यान से देख लें कि दूसरा का पहला सही है, निम्नलिखित में कौन बल सही है, तो यहाँ पे लिखा गया है ए बराबर ई, यानी ए में ऑप्शन ए में लिखा गया है ई बराबर एफ वेक्टर बटा में क्यू, तो यह आपका रिलेशन सही है। याद रखें, अभी बताएं हम कैसे सही है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अगर आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़े हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जा करके कॉपी में उलटे, वहां पे आपका इसका संबंध दिखाया गया है, आप उसको टिक कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है विद्युत द्विध्रुवीय गुण का एसआई मात्रा होता है, अरे होता है कैसे होता है, देखिए पहले नंबर विद्युत द्विध्रुव के एसआई मात्रक बोला है, तो पहले तू बबूगा विद्युत द्विध्रुव के एसआई मात्रक बोला है, तो पहले विद्युत द्विध्रुव को हम का सूत्र करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को पी से सूत्र करते हैं, पी बराबर टू क्यू एल होता है, पी बराबर टू क्यू एल होता है। ध्यान से माइंड सेट करो, पी इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव, इसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले या द्विध्रुव आघूर्ण बोले बात एक ही है। तो हमारा विद्युत द्विध्रुव को हम पी सूत्र करते हैं, और इसका पीछे वीडियो में सब्जेक्टिव में हम बताए हैं कि यहाँ पे पी बराबर टू क्यू एल होता है, सब्जेक्टिव नहीं, इसीलिए पहले सब्जेक्टिव करना है तब ऑब्जेक्टिव हो रहा है, पहले सब्जेक्टिव का वीडियो जाकर के देखे, वहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखाया गया है, P बराबर 2 क्यू एल होता है, तो P का एसआई मात्रक पूछ दिया बच्चा, तो एसआई मात्रक कैसे होगा, दो का कोई मात्रक नहीं है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, Q है, Q का एसआई मात्रक होता है, यानी कूलम, Q का एसआई मात्रक, Q Q Q Q माने आवेश और आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और L L माने लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, कछि कूलम मीटर, तो यहां पे देखो कूलम मीटर है, ठीक कर लो कूलम मीटर, चुटकी में बना जाना है और पूरे पूरे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव आपको बनाने आएगा। ध्यान से देखिए, कहता है किसी माध्यम की अपेक्षित पारा वैद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है, पीछे वीडियो जाके देखो ना, ये बहुत ये पढ़े किए हैं, यानी आप एक चिप पारा वैद्युतांक शायद वीडियो नंबर टू में जाकर के देखो, यहाँ पे पार्ट नंबर जो दो डाला गया है उसमें दिखाया गया है किसी माध्यम की आप एक चिप पारा वैद्युतांक, और एक बार आप एक चिप पारा वैद्युतांक ही नहीं है, विद्युतशीलता भी दिया गया है, आप एक चिप पारा वैद्युतांक को एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है, इसका ऐसा इसका परिभाषा उसमें दिया गया है कि आप एक चिप पारा वैद्युतांक क्या है, तो आप एक चिप पारा वैद्युतांक का वहां पे दिया गया परिभाषा क्या दिया गया है कि किसी माध्यम में प्रकाश का यानी किसी माध्यम का आप परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युतांक के अनुपात को, किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं, अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं, परिभाषा से यह हमारा किसी माध्यम का परावैद्युतांक बटा में निर्वात में यानी परावैद्युतांक, तो यह हमारा क्या होगा, राइट आंसर, यह न तो गुणा में होता है और न ही प्लस में होता है न ही घटा में, ये छोटा सा बोगरा बनाने के लिए दिया गया है, यहाँ पे ये सब गलत है, सिर्फ यह राइट आंसर। अब देखिए ध्यान से, आवेश का पृष्ठीय यानी पृष्ठीय घन यानी घनत्व बराबर होता है, कह रहे कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, तो
आवेश के दृष्टिकोण तो क्या होगा बाबू, जाके देखो ना पहला वीडियो में, पहले वीडियो में पढ़ाया गया है आवेश का, यानी पूरे रैखिक आवेश घनत्व पढ़ाया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया गया है, आयतन आवेश घनत्व पढ़ाया गया है, आवेश का घनत्व का सूत्र भी दिया गया है। सूत्र होता है आवेश के पृष्ठीय घनत्व, देखिये सबका सूत्र एक ही है, एक ही है, एक ही है, एकदम एक ही है। देखिए जब रैखिक आवेश घनत्व कहता है तो आवेश बटा में लंबाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहता है तो आवेश बटा में क्षेत्रफल, जब आयतन आवेश घनत्व कहता है तो आवेश बटा में आयतन। लेकिन यह क्या बोलता है, पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश घनत्व बोला है, सूत्र खोजो कि बाटा में कोना के क्षेत्रफल दिया है, एक छोटा गुणा में है, गलत है, कौन दिया है, यहां पे देखो देख दिया है, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, यह होगा आपका राइट आंसर। यहाँ आयतन दिया है, यह आयतन जो दिया है आयतन होगा, अगर यहाँ पे पूछ देगा आयतन घनत्व का बराबर होता है, अगर इसे आयतन घनत्व कौन था ये सही होता है, लेकिन अगर पृष्ठीय घनत्व बोला है तो बटा में क्षेत्रफल होगा, समझ में आ रहा है, समझ में, यह भी गलत है, यह नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है, पारावैद्युत स्थिरांक पानी में एकासी होता है, पानी में पारावैद्युतांक यानी एकासी होता है, राइट एग्जैक्ट पॉइंट है, यानी एग्जैक्ट मान जो होता है एकासी होता है, लेकिन वैरी करता है, वैरी मतलब घटता है और बढ़ता है, यह आपका जो वैरी करता है 72 से लेकर के 86 तक होता है, 72 से 86 तक वैरी करता है, तो इसके निकटतम 72 से 86 के बीच में कोई भी दिया रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया है, हमारा पानी का पारावैद्युतांक यानी पारावैद्युत स्थिरांक बोला है, तो पारावैद्युत स्थिरांक 80 होगा, क्योंकि 80 इसके करीब में है, 81 के करीब में है, 60 हो नहीं सकता, क्योंकि वैरी 72 से 86 तक होता है बच्चों, तो 72 से 86 तक यह तीनों नहीं है, इसलिए इसको गलत समझे, ध्यान समझे। यहाँ पे विद्युत कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होगा, बल का मान होगा, अभी तुरंत तुमको पढ़ाए हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे E बराबर दिखाया गया है, E बराबर यानी E बराबर एफ वेक्टर बटा में क्यू, E वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बटा में क्यू, बल का मान चाहिए, बल निकाल दीजिए यहाँ पे, बल अलग कर दीजिए और इसको गुणा कर दीजिए, क्यू E वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, देख लीजिए सर दिया है कि नहीं दिया, दिया है कि नहीं, एकदम दिया है, यहाँ पे दिया है क्यू ई, क्यू ई, तो यहाँ पे यानी विद्युत क्षेत्र में एक का यानी एक एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा, क्या होगा बल का मान, क्यू ई होगा, क्यू ई होगा। अगला देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, उत्तरी के एप्सिलॉन आर का ये तो तुम भूल ही नहीं सकता है, जितना न्यूमेरिकल बनाया होगा, जितना थ्योरम बनाया होगा, सारे थ्योरम में लिखवाए हैं, यानी सारे थ्योरम में लिखवाया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। याद करो उस दिन को जिस दिन यानी यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखा होता था और यहाँ पे लिखते थे हवा यानी निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान एक होता है, एप्सिलॉन आर का मान एक होता है, तो एप्सिलॉन आर का मान एक हो जाए, तो यहाँ पे यानी हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान एक होता है, राइट आंसर एक होता है, एकदम कुल होकर पढ़िए, कुल ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है एटी होता है, आवेश का बीमा याद रखें एटी होता है, या कहीं कहीं एटी न दे करके दे सकता है आईटी, आईटी बोले या एटी बोले, आईटी बोले या एटी बोले, यानी दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे आवेश का बीमा याद रखे एटी होता है, आवेश का बीमा क्या होता है एटी होता है, आवेश का बीमा क्या होता है एटी होता है। कहता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराडे यानी प्रति मीटर, प्रति मीटर बोले या फैराडे इनवर्स मीटर बोले, बात एक ही है, इनवर्स जो को हम अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे फैराडे प्रति मीटर आ जाता है,
इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन यानी सेट हुआ। अब आगे के वीडियो में देखेंगे।